सुनेगा। जय माता दी साथियों, मैं रणवीर विश्वकर्मा आज आपको अपने इस चैनल रणवीर विश्वकर्मा में कक्षा 12 केमिस्ट्री अध्याय 2 बिलियन में नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो चैप्टर है वह है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कोई अलग से खास नियम नहीं है, केवल अलग से नियम दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो हम लोग आपको लोग जानते ना हो, बशर्ते क्या होता है कुछ नियम का हम नाम नहीं ले पाते। हमें प्रत्येक नियम की जानकारी होती है, जैसे न्यूटन ने पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। हम कोई पत्थर फेंगे तो क्या पहले हमें पता नहीं था कि पत्थर फेंकने पर धरती में गिरेगा? हम पहले भी जानते थे, आज भी जानते हैं, तो इसके करोड़ों वर्ष पहले भी जानते रहेंगे। बशर्ते क्या होता है उस नियम का नाम नहीं ले पाते। हम किसी पत्थर को आकाश में फेंके तो कहाँ गिरेगा? धरती पर तो गिरेगा। लेकिन जैसे क्या दिया गया नाम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। हम बशर्ते उस नियम का नाम जानकारी नहीं रखते, नहीं तो हमें जितने भी नियम सभी नियमों की क्या होती है जानकारी। इसी प्रकार का एक नियम हेनरी ने दिया गया, हेनरी जी ने दिया था। उन्होंने कहा था स्थिर ताप पर यदि ताप को हम क्या रख दें 30 डिग्री सेल्सियस कर दें, ताप कितना डिग्री कर दें 30 डिग्री सेल्सियस। स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी ताप 30 डिग्री सेल्सियस रहे और जो गैस की हमने बर्तन लिया, यहाँ पर जल है क्योंकि कह रहा है कि स्थिर ताप पर इसका तापमान हमने कितना रखा 30 डिग्री सेल्सियस, कितना रखा 30 डिग्री सेल्सियस। और इसे क्या कर दिया, स्थिर रखा तो इससे ऊपर ना हो दिया ना ही नीचे, ये क्या हो गया आपका द्रव। और ऊपर यहां से यहां तक क्या है गैस। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब की समानुपाती होती है। जैसे जैसे इसमें हम दाब फिर दाब लगाते जाएंगे, यहां से हम कह देंगे दाब, वैसी वैसी क्या हो जाती है विलयता बढ़ती जाएगी, और दाब घटा जाएंगे तो विलयता क्या होती जाएगी घटती जाएगी। तो हम पहले से ही जानते थे, इसमें कोई खास बात थोड़ी है, खास बात है। हम जैसे जैसे विलयता देते जाएंगे उसे प्रेशर देते जाएंगे तो दाब उसका क्या होता जाएगा घटते जाएगा, और प्रेशर कम करते जाएंगे तो उसका दाब क्या होता जाएगा घटता जाएगा। तो परिभाषा क्या बनी, स्थिर ताप पर। ताप हमने कितना लिया कोई भी ले लें, जरूरी नहीं कि 30 डिग्री मिले। स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यह नियम किसने दिया था, हेनरी ने कहा था स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब इसे हम आप अंकित रूप में करें या भाषागत को अपन संकेतिक रूप में करें, तो इन्होंने अपन दाब को गैस की मात्रा प्रदर्शित किया अपन ने एम से। दाब को किससे व्यक्त किया, पी से, क्योंकि प्रिय का तात्पर्य प्रेशर और समानुपाती क्या है चिन्ह। तो स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलयता गैस की दाब की क्या होती है समानुपाती होती है। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो जाएगा बराबर, तो KH क्या लग जाएगा स्थिरांक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एम बराबर क्या हो जाएगी गैस की मात्रा, KH बराबर क्या हो जाएगा हेनरी स्थिरांक। P बराबर क्या हो जाएगा दाब। तो परिभाषा क्या बनेगी, स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ये आपकी परिभाषा थी। अब इसी चैप्टर अपन देखते हैं हेनरी नियम के हेनरी नियम की जो सीमा है और हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो हमने आपको हेनरी का नियम बताया था, हेनरी का नियम था स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे उसकी विलयता क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब इसी नियम में देखते हैं इसके हेनरी के नियम की सीमा, हेनरी का नियम ये कहाँ कहाँ लागू होता है, क्योंकि हर एक की क्या होती है लिमिट होती है, सीमा होती है। तो पहली जो सीमा है गैस आदर्श गैस होनी चाहिए। अब आदर्श क्या अनादर्श गैस का वर्णन हम अभी अगले चैप्टर में करेंगे। इसके बाद है दूसरी बात है गैस की द्रव के साथ कोई क्रिया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ऊपर से प्रेशर दें वो गैस द्रव में बदल जाए और वह इससे क्या कर ले क्रिया कर ले। इसकी तीसरी नियम जब इस नियम की तीसरी सीमा है गैस जो बिलियन होना चाहिए वह तनु होना चाहिए, बिलियन सांद्र नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए तनु। अब इसे आप चाहें तो इसकी निश्चित ले सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग आ तो अपन को यही लिखना है, उपयोग आ तो यही लिखना है।
अब इसका उपयोग या लाभ या अनुपयोग क्या है? तो पहले जो पहला इसका उपयोग है कि जो हेनरी का नियम होता है, इस नियम की सहायता से जो होता है हम अधिक ऊंचाई पर सांस ले सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर इसके नियम की सहायता से क्या ले सकते हैं? सांस ले सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने पर इसका पहला उपयोग क्या है? अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने पर। दूसरा उपयोग क्या है इसका? अधिक ऊंचाई में सांस लेने के साथ साथ गहरे समुद्र में श्वास लेने में। अत्यधिक गहरे समुद्र में सांस लेने की सहायता में किसका प्रयोग करते हैं? हेनरी के नियम का। गहरे समुद्र में श्वास, पहला था अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में, दूसरा है गहरे समुद्रों में सांस लेने में, तीसरे इसी नियम का प्रयोग है कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में। कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में। इसके तीन क्या हो जाएंगे? उपयोग है, अनुप्रयोग है, पहला। तो हेनरी के नियम है स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाते हैं विलयता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हम कहा गैस की मात्रा पी है, इसका प्रेशर है, इसका अनुपात क्या चिन्ह है। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या चला जाएगा? क्या? स्थिरांक। तो यहाँ पर लिख चुके हैं गैस की मात्रा पीएच हेनरी, स्थिरांक दाब पी। इस नियम की सीमा क्या है? नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ पर लागू नहीं होता है? पहले तो इसकी सीमा है गैस है अदर गैस होनी चाहिए। दूसरे नियम है सीमा है गैस के द्रव के साथ कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। अर्थात हम जैसे ही उसे प्रेशर दें वह गैस द्रव में परिवर्तित हो जाए और इसकी क्रिया कर ले, तो ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। तीसरा विलयन तनु होना चाहिए, यदि विलयन सांद्र है तो उस पर वहां पर लागू नहीं होता है। इसके उपयोग या अनुप्रयोग है अधिक ऊंचाई पर सांस लेने पर, अत्यधिक ऊंचाई पर सांस लेना इसी का प्रयोग करते हैं। दूसरा है गहरे समुद्रों में सांस लेने, तीसरा है कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तब आप मेरे चैनल नंद विश्वकर्मा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी साथियों।